हेलो नमस्कार दोस्तों, आईआर करंट अफेयर रिवीजन में ये हमारा छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आईआर का जो करंट अफेयर प्रीलिम्स 2018 के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है मित्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। तो ये यूपीएससी मेंस द फॉलोइंग में हमें पूछ सकती है। अगली जो न्यूज है वो आई है चाबहार पोर्ट के बारे में। तो क्यों न्यूज है एक्चुअली कि चाबहार पोर्ट के बारे में, कांडला जो पोर्ट है उसके बारे में है। तो इसके बारे में एक दो पहले तो हम मैप वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, ताकि मेनली क्योंकि यहाँ पे मैपिंग का क्वेश्चन वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो वो हम यहाँ पे एक बार नजरिए से देख लेते हैं। तो देखो दो तीन पॉइंट आते हैं। ये तो है कांडला पोर्ट जो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात वाले एरिया में। देखो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये गल्फ ऑफ खंबात वाला एरिया और यहाँ पे है कांडला पोर्ट। और इसका क्या नाम है, इस खाड़ी का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे भी रोरो सेवा थी वो भी स्टार्ट की गई थी, वो आपको ध्यान होगा हमने काफी बार डिस्कस भी की है। मेनली कांडला जो एक खंबात की खाड़ी इसी वाले एरिया में स्टार्ट की गई थी रोरो सर्विस भी। खैर वो आगे जब न्यूज आएगी तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो यह है कांडला पोर्ट की लोकेशन, ये यह है यहाँ पे चाबहार पोर्ट। आपको पता है कि चाबहार पोर्ट है वो इंडिया है, वो ईरान के अंदर डेवलप किया गया है और अभी इसको स्टार्ट भी हो गया है। और जो मेनली पाकिस्तान में है वो है ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, वो है सीपेक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो यहाँ से होते हुए फिर या पीओके वाले एरिया से जाता है, तो इंडिया की सॉवरेंटी का उसमें इश्यू है। तो चाबहार पोर्ट ये है। और इसके बाद में यहाँ पे जारांग डेलाराम हाईवे, देखो ये रहा जारांग डेलाराम हाईवे। जारांग डेलाराम जो हाईवे है ये एक्चुअली इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में जो हाईवे बनाया गया है इंडिया के द्वारा, जारांग डेलाराम हाईवे, यह मेनली बॉर्डर एंड रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बनाया गया है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ हमारा कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेनली काम ये होता है कि बॉर्डर वाले डिफिकल्ट टेरेन में रोड बनाना, इसके साथ ही पड़ोसी देशों में भी वह रोड वगैरह बनाने का काम करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बाकी बाद में जारांग डेलाराम जो हाईवे है वो मेनली अफगानिस्तान की दो मेजर सिटी है, हेरात और एक है मजर ए शरीफत, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो जिसमें काबुल भी कनेक्ट हो रहा है, कांधार भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारा लोकेशंस वगैरह हमने देख लिए। इसे हमने गार्लैंड रोड के नाम से भी जाना जाता है इस सारे रूट को। और यहाँ पे जारंग डिलराम हाईवे, ये लोकेशन एक बार हमने थोड़ी यहाँ पे देख ली है। आगे इसमें ये कांडला पोर्ट की लोकेशन हमने देखी है। देखो कांडला पोर्ट है वहां से लेके एक्चुअली अफगानिस्तान तक जाने के लिए हमें पहले अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी चाहिए, ईरान की कनेक्टिविटी चाहिए और इंडिया, तो मतलब तीनों कंट्रीज के द्वारा एक तरह से ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी हो सके। तो ये कुछ बेसिक सा पॉइंट है। जारांग डेलाराम हाईवे के बारे में हमने डिस्कस किया कि जारांग डेलाराम हाईवे वो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, लोकेशन हमने ऑलरेडी देख ली है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो क्या है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यह देख लेते हैं। यह मेनली इंडिया से लेकर रशिया की तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको भी हम मैप के थ्रू एक बार देख लेते हैं ताकि हमारे जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। एक सेकेंड थोड़ा, यह आप देखिए, ये है एक्चुअली इंडिया का मतलब बॉम्बे वाला एरिया ले लो कहीं से लो, इस वाले बॉम्बे से कनेक्ट किया गया है मेनली। अभी देखो ये एक्टिव फॉर्म में आया नहीं है, केवल बनाया जाने का प्रस्ताव है, तो अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देखो अगर इंडिया को मॉस्को तक जाना हो तो क्या करना पड़ता है, इंडिया को ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ता है, ऐसे 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 घूम के ये वाला रूट होता है, तो काफी टाइम लग जाता है इस यहाँ तक पहुंचने में। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि इंडिया क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से चाबहार पोर्ट से होते हुए, ईरान से होते हुए, फिर यहाँ से ये मिडिल ईस्ट वाले एरिया से होते हुए डायरेक्टली इस वाले एरिया तक पहुंच जाएगा। तो देखो इतना घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, इसीलिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है मेनली बॉम्बे से लेके इंडिया से लेके रशिया तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसका ही एक अहम पार्ट हो जाता है होता है चाबहार पोर्ट, क्योंकि चाबहार पोर्ट तक तो होगा यहाँ से सी के थ्रू कनेक्टिविटी, उसके बाद में रोड रूट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, बेसिक एक दो पॉइंट आते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए। अगले चलते हैं, अगली न्यूज है वह ये नेपाल और इंडिया के बारे में। न्यूज ये है कि नेपाल और इंडिया के द्वारा भी टाइगर सेंक्शन मतलब टाइगर जनगणना है वो की जा रही है। तो उसी को लेके आया है न्यूज, देखते हैं इसमें है क्या। इसमें एक दो पॉइंट ये आ जाते हैं कि देखो नेपाल और इंडिया का जो क्षेत्र है ना, इसमें जो टाइगर रेंज कंट्री कहते हैं इनको, नेपाल और इंडिया वाले एरिया को टाइगर रेंज कंट्री का मतलब वो होता है कि वो एरिया जहाँ पे टाइगर फ्री घूम सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे पिंजरे में कैद करना पड़ता है। जैसे इंडिया श्रीलंका के भी कुछ एरिया ऐसी बात नहीं है, म्यांमार का भी कुछ एरिया आता है, बांग्लादेश का भी, कुछ ऐसे एरियाज हैं ये साउथ ईस्ट एशिया वाले एरियाज जहाँ पे क्या कि टाइगर फ्रीली घूम सकते हैं, उनको किसी ऐसा नहीं कि वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है उनके लिए। तो इन वाले एरिया को बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्री। तो इन वाले एरियो में जनगणना करने के लिए क्या किया जाता है टाइगर सेंसस के लिए, कि भाई कैमरा लगाए जाते हैं जगह जगह पे, या फिर उनको थर्मल जो इंफ्रारेड वाले कैमरे हैं उनका यूज किया जाता है। इसके बाद में कुछ स्टिकर्स वगैरह का यूज करके उनकी संख्या को काउंट की जाती है। तो अभी जो जनगणना इनकी काउंट की गई है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो टाइगर सेंसस कर रहा है वो नेपाल की हेल्प से कर रहा है, क्योंकि नेपाल और इंडिया के दोनों वाले बॉर्डर काफी ओपन है, तो वहां पे टाइगर्स का फ्रीली मूवमेंट है वो होता रहता है। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वह ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव
प्लांट ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखो इसमें कुछ ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये किससे रिलेटेड है ये आपको याद रखना है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लांट ऑफ एक्शन है, JCPOA। यह हमें याद इसलिए रखना है कि है ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है, बस इसमें यही काम का है, ईरान की न्यूक्लियर डील है उससे संबंधित काम है। है क्या ये, इसमें कौन कौन कंट्री मेंबर वो देख लेते हैं। इसमें P5+ है, देखो ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसमें आपको बताया कि 6 कंट्रीज है, P5 तो वह जिनके पास वीटो पावर है, कौन कौन है, UK है, US है, रसिया है, चाइना है और फ्रांस है, तो ये तो है 5 जिनके पास वीटो पावर है। इसी के साथ ईरान न्यूक्लियर डील में एक कंट्री और भी शामिल है जिसका नाम है जर्मनी, तो ये 6 कंट्रीज है मिलकर इन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील साइन की थी। तो अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप थे, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील को एक्चुअली कैंसिल करने की बात की थी, तभी ये मामला न्यूज में आता। तो इस पे यूपीएससी पूछ सकते हैं कि JCPOA किससे रिलेटेड वगैरह है, तो ध्यान रखना कि भाई ईरान न्यूक्लियर डील से है रिलेटेड है। अगली जो न्यूज है वो आई है इंटरपोल के बारे में। न्यूज ये है कि जो पैलेस्टीन है वो एक्चुअली इंटरपोल का मेंबर बन गया है, तो उसी चीज को लेके न्यूज में आया। तो हम देख लेते हैं कि इंटरपोल के बारे में, इंटरपोल है देखो यह 1923 में बनाया गया था, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंटरनेशनल जो क्राइम होते हैं उनके लिए एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका लियोन में, जो कहाँ पे, फ्रांस में। यह हमें ध्यान रखना, काम क्या है, काम देखो सीधा सही है, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली पुलिस को आपस में कोऑपरेशन करने के लिए, सहयोग करने के लिए ग्रुप है वो बनाया गया है। कुछ बेसिक सी इसमें न्यूज थी, आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज है वो आई है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट। तो यह आप ध्यान रखें कि ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह जारी की है एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ह्यूमन राइट ग्रुप है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन, WFF। तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स है वॉक फ्री फाउंडेशन, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया गया वो किया गया है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हेल्प से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। और यह हमें एक इंडेक्स भी जारी करता है मॉडर्न स्लेवरी के बेसिस पे, तो यह हमें ध्यान रखना है क्या, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ह्यूमन राइट ग्रुप है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन, तो यह चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं इसके साथ लगे हाथ ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन की एक स्पेशलाइज यूएन की एक एजेंसी है, यह ध्यान रखना है। 1945 में यूएन बना था, जबकि ये पहले से ही बना हुआ है, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो 1919 में बना था, बट 1945 में जब यूएन बना तो उसके बाद इसी की एक एजेंसी है, इसी का एक पार्ट है वो बन गया। तो यह हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि बना पहले था पर बाद में इसका मेंबर बन गया। काम क्या है, इसका काम ये है कि लेबर्स के लिए जो भी राइट्स होते हैं, पॉलिसी वगैरह, वो सारे कामों से डील करता है। और इससे 1969 में से नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो कैटालोनिया के बारे में, कि कैटालोनिया और स्पेन के बारे में। तो देखो आप कैटालोनिया है वहां पे जनमत कराने की बात थी, बट वो कैंसिल कर दिया गया था स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई संविधान के खिलाफ है, तो संवैधानिक मामले का इश्यू था, इसलिए कैंसिल कर दिया गया था। लोकेशन होती है इंपॉर्टेंट कैटालोनिया की। देखो जनमत दो जगह कराया गया था लास्ट ईयर, आपको बता दूं, एक तो कराया गया था कैटालोनिया में और एक कराया गया था कुर्द वाले एरिया में, जो कि कुर्दिस्तान की मांग रहे थे, तो उस वाले एरिया में। तो यूपीएससी में भी मैच द फॉलोइंग करवा सकते हैं इन दोनों को। तो हमने देख लिया कि भाई कुर्द वाले एरिया में भी जनमत कराने की बात थी, बट वहाँ पे भी ईरान ने तो करवा दिया था, बाकी कंट्री ने नहीं करवाया था। और यहाँ पे कैटालोनिया है वो है स्पेन वाला, तो लोकेशन देख लेते हैं। एक सेकंड, ये रहा स्पेन और स्पेन के, एक सेकंड, ये है एक्चुअली कैटालोनिया वाला प्रांत, आप देख सकते हो ये जो हिस्सा है मैंने कैटालोनिया का, जो कि मेडिटेरियन सी की तरह फेस करता है, इसको बोलते हैं कैटालोनिया। और इस वाले एरिया में जनमत कराने की बात थी और हुआ भी था, पर बाद में वो कैंसिल कर दिया गया था। रीजन उसमें काफी सारे इन्होंने जनमत कराने की दिए थे कि भाई इनकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, और जो यहाँ की स्पेन की गवर्नमेंट है वो यहाँ से जितना पैसा कमाती है वो सारा पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करती है, मैक्सिमम पैसा दूसरे वाले एरिया में खर्च करते हैं, जिससे इनको नुकसान हो रहा है। और यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है, यहाँ के इनको लैंग्वेज काफी सारे रीजन दिए गए थे, हिस्टोरिक लेसन वगैरह, तो वो सारे पॉइंट सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे कुल आईआर के जरिए हम इसे देख रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो आई है ICAN के बारे में। यह काफी अच्छी न्यूज है, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन के बारे में। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 में इसे नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। यह है क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह मेनली एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल कैंपेन है, ध्यान रखना है, एक कैंपेन है, कोई वैसे नहीं है संस्था वगैरह कुछ नहीं है, यह एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल कैंपेन है, जो क्या है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी कोलेब्रेशन है, मतलब ग्लोबल लेवल जो सिविल सोसाइटी है छोटी छोटी, उनके द्वारा एक कोलेब्रेशन है, एक सहयोग किया गया, एक कैंपेन स्टार्ट किया। क्या है कैंपेन है, यह 2007 में स्टार्ट किया गया था यह कैंपेन। इसका मेन मोटो यह था कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको खत्म किया जाए, उनका यूज है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहो, मतलब किसी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन हो। और इसलिए नोबेल पीस प्राइज क्यों दिया गया, नोबेल पीस प्राइज इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने यूएन के अंदर एक्चुअली एक ट्रीटी साइन कराई थी
प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन को बैन किया जाए, इसके लिए एक ट्रीटी है वो साइन की, जो कि यूएन के द्वारा सक्सेसफुली साइन तो कर ली गई है, बट ध्यान रखना कि अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब अभी इसे रेक्टिफाई है वो करना बाकी है, जब तक 50 कंट्री साइन करके इसे एक्टिव नहीं करती है तब तक यह एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। तो पहली बार ऐसा होगा कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी ट्रीटी साइन की गई है ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन किया जाए। तो वो किसके द्वारा करेगी, वो करेगी आईसीईएन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल कैंपेन है, जो कि डिफरेंट छोटी छोटी जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके द्वारा एक सहयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नोबेल प्राइज मिला हुआ है इसे 2017 में, और 2007 में ये आईसीएन है जिसका निर्माण किया गया था। यूएन के द्वारा भी इसे, मतलब यूएन के अंदर इन्होंने एक ट्रीटी थी वो साइन करी थी। कौन सी ट्रीटी? कि भाई न्यूक्लियर वेपन को पूरे वर्ल्ड में बैन किया जाए। इंडिया ने एक्चुअली साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इंडिया ने कहा कि भाई जब तक यूएस वगैरह और बाकी कंपनी चाइना पाकिस्तान वगैरह साइन नहीं करती तब तक हम भी साइन नहीं करेंगे। ये बेसिक सी न्यूज थी। अगली जो न्यूज है वो आई है यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो है क्या, देखते हैं। न्यूज ये है कि यूएसए और इसराइल दोनों ने यूनेस्को से अपना हाथ खड़े कर लिया, मतलब दोनों के ने कहा कि भाई अब हम मेंबर इसके नहीं रहेंगे। तो दिसंबर 2018 तक तो वो मेंबर है, मतलब दिसंबर 2018 के बाद यूएसए और इसराइल दोनों इसके मेंबर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बात ऐसी है क्योंकि देखो पेलेस्टीन को यूनेस्को ने काफी दर्जा दे दिया था, मतलब यूनेस्को ने पेलेस्टीन को काफी राइट्स वगैरह दे दिए, काफी उसको सिटी वगैरह को थोड़ी पॉपुलरिटी दे दी। मेनली बात है जेरूसलम की, जेरूसलम का एक विवादित जगह थी उसको लेके मामला शुरू क्यों आया, तो भाई इसराइल ने कहा कि भाई आप लोग तो हमारी सोवरेनिटी का मतलब वायलेंस ना वो कर रहे हो, इसीलिए आपको पता है कि यूएसए और इसराइल के दोनों के रिलेशन काफी क्लोज है, इसीलिए इन दोनों कंट्रीज ने यूनेस्को को रिजाइन कर दिया कि भाई अब हम मेंबर है वो नहीं रहेंगे। तो यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि यूएन की स्पेशल एजेंसी है। काम क्या करती है? एजुकेशन के सेक्टर में भी काम करती है, साइंस के सेक्टर में भी काम करती है, और कल्चर के सेक्टर में भी ये काम करती है। तो मतलब डिफरेंट सारे सेक्टर्स में काम करती है, बहुत देशों के बीच में सहयोग करवाने के लिए, शांति करवाने के लिए, प्रमोट करने के इसके सारा काम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो आई है एससीओ के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। न्यूज ये है कि भाई साहब अगले लास्ट ईयर 2017 की न्यूज है, मतलब इंडिया उस टाइम पे मेंबर बन चुका था, तो उसको लेके है, और उसमें कंटेक्स्ट एक ये आया था कि एक कंटेक्ट ग्रुप की मीटिंग हुई थी जिसके अंतर्गत इंडिया को इनवाइट किया गया था। वो तो इन मीटिंग वगैरह तो देखो इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, बस इंडिया लास्ट ईयर मेंबर बना था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। है क्या यह? मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोशियन, मतलब इसमें यूरोप भी है और रसिया भी, यूरोप और एशिया दोनों कंट्री शामिल हैं। कौन सी कंट्री ऐसी? रसिया। यहाँ पे देखो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा सोचेंगे भी एक एशिया का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें यूरोप भी शामिल है। यूरोप की कौन सी कंट्री है? वो है रसिया, रूस। क्योंकि रूस आपको पता है कि थोड़ा हिस्सा उसका यूरोप में भी आता है, इसलिए उसको यूरोशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 2001 में इस एक्चुअली 2001 तक इसका नाम था, वो था शंघाई 5+ नाम, तो वो तो देखो इतना छोड़ो ये तो काम का नहीं है। 1996 में इसे बनाया गया था, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग पे, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था पहले। इसी के साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात की कौन कौन से इसके मेंबर है, क्योंकि देखो इंडिया इसका मेंबर बन चुका है, इंडिया और पाकिस्तान है वो इसके 2017 के अंदर ही ऑफिशियल मेंबर बने थे। 2015 में इसकी घोषणा हुई थी, पर 2017 में जाके मीटिंग में उन्होंने अटेंड किया था, जो कि 2017 की जो मीटिंग है सबमिट हुआ था वो था अस्ताना, जो कि है कजाकिस्तान की राजधानी है। तो ये हमें ध्यान रखना कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके परमानेंट मेंबर है, वो बन गए थे। इसके मेंबर कौन कौन है? चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान, तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो ये ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा। तो हमने लास्ट के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक दूसरा इंडेक्स है वो भी जारी किया जाता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, क्योंकि देखो जो चीजें हमने डिस्कस किया ना आपको उनको भूलना नहीं है, उनको आपको सबको रिवाइज करते हुए साथ साथ चलना है, ताकि हमारी डिस्कशन है वो और ज्यादा अच्छी है वो होती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग है वही 103, मतलब 130 कंट्रीज में इंडिया वो 103वें नंबर पे है। क्या क्या इसमें? इसमें मेनली ह्यूमन टैलेंट को विकसित करने के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि भाई ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन को कैपिटल मान के ह्यूमन का टैलेंट है उसको डेवलप करने के लिए इंडेक्स वो जारी किया जाता है। तो इंडिया इसमें 103वें नंबर पे आया है। अगली जो न्यूज है वो आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, क्योंकि यूपीएससी देखो आजकल इंडेक्स वगैरह पे क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन पक्के पक्के पूछती ही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 है उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है वो आई है 100वीं, मतलब इंडिया को 100वां स्थान है दिया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? यह जारी किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, IFP
PRI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कौन से पैरामीटर है वो यूपीएससी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें चार पैरामीटर हैं, तो ये हमें ध्यान से देखने हैं। पहला पैरामीटर ये होता है कि भाई देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है जो कि मॉल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण से पीड़ित है। दूसरा ये है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो बच्चे जिनकी हाइट है वो हाइट मतलब जो बच्चे जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट है वो नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब जिनकी हाइट हो रही है बट फिर भी उनका वेट उसके अकॉर्डिंग कम है, इसमें मेनली काउंट किया जाता है 5 साल तक के बच्चों को, तो इस स्टैंड में 5 साल तक के बच्चों को मेजर किया जाता है। दूसरा है तीसरा है सॉरी स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि वो बच्चे जिनकी उम्र के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ रही है। ध्यान रखना है कि दूसरा है उसमें तो ये है कि हाइट के अकॉर्डिंग वजन नहीं बढ़ रहा है, और तीसरा ये है कि भाई आपकी जो एज होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट है वो नहीं बढ़ रही है, इसमें भी 5 साल तक के बच्चों को काउंट किया जाता है। और चौथा है वो है चाइल्ड मृत्यु दर। तो चाइल्ड मृत्यु दर में ये काउंट किया जाता है कि भाई 5 साल तक के बच्चों की कितनी डेथ हो रही है पर 1000 पे। तो इन चारों पैरामीटर के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, और इंडिया की रैंकिंग है वो 100वीं आई है, क्योंकि इंडिया में कुपोषण की समस्या भी काफी ज्यादा है मॉल न्यूट्रिशन की, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे मिशन भी चलाए हैं, और बाकी एज के अकॉर्डिंग वेट भी कम होता है और हाइट वगैरह भी काफी इश्यू है, और चाइल्ड मृत्यु दर भी इंडिया की ज्यादा है। और इसमें जो स्कोर है वो दिया जाता है 0 से 100 के बीच में, इंडिया का जो स्कोर है वो है 31.4। तो ये तो देखो याद होनी हो कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना कौन से चार पैरामीटर के आधार पर ये दिया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। आगे चलते हैं, अगले जो न्यूज है वो ये इप्सा के बारे में, काफी अच्छी न्यूज है कि इप्सा ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट के बारे में। तो इप्सा का मतलब क्या है, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, तो ये चार कंट्रीज हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 2003 में इप्सा डायलॉग फॉर्म बनाया गया था ब्राजीलियन डिक्लेरेशन के बाद, तो ये ध्यान एक तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि जो इप्सा ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट वो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है भाई कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, डायरेक्टली यूपीएससी आज से क्वेश्चन से पूछ सकती है। है क्या यह मेनली इंटरनेशनल इश्यूज पे फोकस करने के लिए क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनको हेल्प देने के लिए सपोर्ट वो करता है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा पैसा वगैरह वो दिया जाएगा, फाइनेंशियल एड वगैरह देने के लिए फंड है वो बनाया गया है। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये था कि इसकी 8वीं ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी डर्बन में। डर्बन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, तो ये ध्यान रखना कि डर्बन साउथ अफ्रीका में, वहां पे इसकी 8वीं ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई $1 मिलियन है वो योगदान किया जाएगा सभी तीनों कंट्रीज के द्वारा हर साल। क्यों, ताकि इसका यूज हो सके कि भाई जो देश गरीब है वहां पे प्रोजेक्ट वगैरह चले जाएंगे गरीबी को खत्म करने के लिए, मतलब साफ है गरीबी का उन्मूलन करने के लिए प्रोजेक्ट चले जाएंगे, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन साउथ कॉरपोरेशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, फिर एक बार वापस देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन है, यह मेनली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था 1976 है वो, एक बार देख लेना, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूं। तो 76 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। इसका मेन फोकस यही है UNOSSE का कि भाई जो साउथ साउथ की जो कंट्रीज है, मतलब देखो जो भी कॉन्टिनेंट है इनके साउथ साइड की जो कंट्रीज है ना उनकी हालत क्या है, एक्सेंट को आपको मैं बता देता हूं थोड़ा फिर भी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये कि भाई हम रिविजन काफी अच्छे से कर लें, तो वो थोड़ा यहाँ से एक बार बता देता हूँ कि जो भी साउथर्न जो कंट्रीज है ना कॉन्टिनेंट की, जैसे इंडिया आ गया, यहाँ पे चाइना वगैरह आ गए, अफ्रीका वाली जो कंट्रीज हैं, इवन इधर जो साउथ अमेरिका वाली जो कंट्रीज हैं वो सारी, इन कंट्रीज की क्या की हालत इतनी अच्छी नहीं, मतलब ये ज्यादा कंट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं है कंपेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में जैसे रूस आ गया, कनाडा आ गया, इधर फ्रांस वगैरह यूके वगैरह आ गया, रूस आ गया, तो ये कंट्रीज इतनी डेवलप है उतनी साउथ वाली कंट्री डेवलप नहीं है, इसलिए साउथ वाली कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बना लिया, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था 1976 में। तो यह कुछ बेसिक न्यूज थी जो हमने यहाँ पे देख ली, इसको साथ कवर भी कर लिया है। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।